नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। शिव पुराण और कथा वाचक कुबेरेश्वर धाम के संस्थापक पंडित प्रदीप मिश्रा नए आरोपों में घिर गए। उन पर ताप्ती नदी के अपमान का आरोप लगा है। मुल्ताई में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर स्थित ताप्ती मंदिर के पुजारी ने प्रदीप मिश्रा के बयान पर आपत्ति जताई है और उनसे बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। ताप्ती भक्तों के अनुसार पंडित प्रदीप मिश्रा भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। ऐसा कोई ताप्ती पुराण स्कंद पुराण में नहीं है। आपको बता दें कि कथावाचन के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। जी का नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी, पर आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली गई और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहनिया खड़ी थी। छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया। यमुना जी पूरी पुत्री है, यमुना उनकी बहना है और उनके विवाद का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं आता और ताप्ती मैया के द्वारा किसी भी प्रकार से कृष्ण पर मोहित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो आरोप मिश्रा जी के द्वारा कथा में कहे गए वह पूर्णतः असत्य है। ताप्ती मैया के जल की बहुत सारी महिमा है, जिसमें अस्थियों का और बाल का विसर्जन करने पर वे जल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एक बहुत ही अद्वितीय महिमा है और यह किसी श्राप के कारण नहीं है। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी को माँ ताप्ती के तट पर आकर ताप्ती मैया से माफी मांगना चाहिए और इस चीज का उन लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए। और ऋषि नायडू हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। ऋषि, पंडित प्रदीप मिश्रा के बयानों पर विवाद कोई नई बात नहीं है। अब ये बहाली में एक विवाद खत्म हुआ तो ये दूसरा विवाद बढ़ गया, लेकिन ये विशिष्ट रूप से वेद पुराणों की अध्ययन का मामला है। अब किसका अध्ययन ज्यादा है ये तो, लेकिन आधार जो बता रहे हैं पंडित जी उसमें है क्या, क्या नजर आ रहा है, क्या वो दावा कर रहे हैं? ऋषि जी देखिए, जो कुछ पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है अपने जो कथा वाचन के दौरान की जो वीडियो है, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि 2 साल पहले जब वो बैतूल आए थे यहाँ पर उनका महाशिव पुराण की कथा वाचन की थी, उस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था जो सूर्य पुत्री माँ ताप्ती है उनके लिए। जो यहाँ मुल्ताई में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ के जो जितने भी पुजारी हैं और धर्मशास्त्रों के जानकार हैं वो सब ये कह रहे हैं कि जो कुछ पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है उसमें कहीं पर भी कोई तथ्य किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है और जो कुछ उन्होंने कहा है वो सीधे सीधे माँ ताप्ती का अपमान वो मान रहे हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। पुजारियों का ये कहना है कि ऐसा कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि यमुना जो कि ताप्ती की बहन थी वो कहीं उनसे गुस्सा हुई थी और ताप्ती जो है कृष्ण जी पर मोहित हुई थी, ऐसा कहीं पर भी किसी धर्मशास्त्र में उल्लेख नहीं है और ये सीधे सीधे ताप्ती जी का अपमान है। और जो उनके जल की महिमा है ताप्ती जी के उसका भी जो उल्लेख पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं वैसा भी कहीं पर भी वर्णित नहीं है। तो इन सब तथ्यों को एक भ्रामक जानकारी बताया जा रहा है और पंडित प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने के लिए कहा गया है। जितने भी ताप्ती भक्त हैं पहले ही पंडित प्रदीप मिश्रा कुछ विवादों में फंसे हुए और अब ये इस बयान को लेकर जिस तरह वीडियो वायरल हो रहा है तो उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है और हो सकता है उन्हें इसके लिए भी कोई ना कोई स्पष्टीकरण जरूर देना पड़ेगा। ऋषि, ये ठीक है, बहुत सारी किंवदंतियां हैं और अलग अलग कहानियां हैं नदियों से जुड़ी हुई, लेकिन दो बातें हैं। पहला ये कि पंडित जी को 2 साल बाद इस बात की याद क्यों आई कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने गलत बोला, कहीं और ऐसा तो नहीं कि चूंकि बेहद लोकप्रिय हैं पंडित प्रदीप मिश्रा उनसे जुड़ा कोई विवाद छेड़ दीजिए तो आप भी प्रचलित हो जाएं? ऋषि बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राधा रानी को लेकर उनका एक बयान आया उसके बाद में एक पूरे देश में उसको लेकर के एक माहौल बना, वो जाकर उन्होंने माफी भी मांगी, तो अब उनके हर कथा वाचन के छोटे छोटे जो वीडियोज हैं उनमें से कुछ क्लिपिंग्स निकालकर इस तरह पोस्ट की जा रही हैं और इस मामले में भी ये देखा जा रहा है कि 2 साल के बाद लोगों को इस बात की याद आई कि उन्होंने कुछ गलत तथ्य दिए थे, जबकि लगातार 3-4 दिन तक वो यहां थे, उन्होंने पूरा कथा वाचन किया, तब किसी भी तरह की आपत्ति नहीं ली गई। अब यह आपत्ति क्यों सामने आई है यह भी सोचने की बात है, लेकिन जरूर पंडित प्रदीप मिश्रा ने किसी ना किसी किस शास्त्र का अध्ययन करके ये कहा होगा वो इसका स्पष्टीकरण जरूर देंगे ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया ऋषि आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब बात स्वर्ण वर्षा एक
चमत्कार या मिथक की। नानी दादी के किस्से कहानियों में राजा रानी डरावने जंगल से लेकर सोने के पेड़ वाली कहानी आपने और हमने बचपन में खूब सुनी, जो बचपन में हमें सच या यूं कहें हकीकत लगती थी। लेकिन बड़े होते होते हमें एहसास हुआ कि वो सब बस किस्से कहानी ही थे, उसका हकीकत से दूर दूर तक नाता नहीं। लेकिन आज हम आपको जो दिखलाने वाले हैं, जो बतलाने वाले हैं, वो हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसके प्रमाण आज भी लोग देते हैं। ये किस्सा सोने की बारिश का है। कहां हुई थी स्वर्ण वर्षा? क्या सचमुच सोने की बारिश का यह किस्सा सिर्फ किस्सा नहीं? आखिर सच क्या है? एक ऐसा नगर जहां कभी बरसा था सोना, एक ऐसा नगर जहां जब तब आज भी खुदाई में निकल आती हैं मुद्राएं, एक ऐसा नगर जिसका इतिहास लोगों को कर देता है हैरान। लेकिन कब और क्या हुआ था यहां, कैसे हो गई थी सोने की बारिश, इन सारे सवालों का जवाब दे रही हमारी ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ यानी गढ़ों का प्रदेश और इसी प्रदेश का एक ऐसा ऐतिहासिक नगर जिसमें छिपे हैं सदियों पुराने रहस्य, जिसका इतिहास स्वर्णिम था, जिसके इसी इतिहास की गवाही आज भी नजर आती है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन शहर मल्हार की। ये वो शहर है जो अतीत के उन अनछुए पहलुओं को खुद में समेटे है जिन्हें आज भी कम ही जाना गया है। बिलासपुर से 32 किलोमीटर दूर है मल्हार, जहां पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान दूसरी ईसा पूर्व सदी से 13वीं सदी तक लगातार बसाहट के लंबे अतीत के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन नगर मल्हार में 1974, 1977 और बाद में सन 2009 से 2012 में खुदाई की गई थी। पहली खुदाई सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने की थी, जिसमें 1000 ईसा पूर्व से 1300 तक के इतिहास का पता चला, जिसे 5 अवधियों में बांटा गया और फिर इसके बाद किलेबंद वाले इलाके में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई करवाई, जिसमें मौर्य, सातवाहन, गुप्त और कलचुरी जैसे भारतीय इतिहास के कुछ सबसे प्रमुख राजवंशों के शासन का प्रमाण सामने आया और इसका प्रमाण आज भी नजर आता है। मल्हार में लगातार 2 बार खुदाई हुई। इस पहले खुदाई सागर विश्वविद्यालय वालों ने की थी, वह अरविंद सिंह जी सीएम थे, 75, 76, 72 के समय हुआ था। उस समय मल्हार का प्राचीनता और पुरानी बस्ती जो दबी पड़ी थी जमीन पर, उसको पूरा उत्खनन वाले खोद कर निकाले थे। इससे मल्हार की प्राचीनता बढ़ी, छत्तीसगढ़ और भारत के इतिहास में मल्हार का स्थान आया। मल्हार में विश्व प्रख्यात डिंडेश्वरी मंदिर, भीम कीचक देउर मंदिर और पातालेश्वर मंदिर है। शैलीगत विवरण के अनुसार ये मंदिर 6वीं-7वीं शताब्दी के हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार शिव, पार्वती और गणों के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाने वाले सुंदर नक्काशीदार दृश्यों से सजाया गया है। आज के डेट में मल्हार बहुत प्राचीन मंदिर है और आज के स्थिति में पूरे भारत में जाना जाता है मल्हार को, डिंडेश्वरी मैया को, डिंडेश्वरी मंदिर को, और लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है वहाँ पर। लोग वहाँ नवरात्र में, बाकी समय भी मन्नतें लेकर जाते हैं और पूर्ण वहाँ सभी को आशीर्वाद मिलते रहते हैं। मल्हार शहर मध्य भारत क्षेत्र दक्षिण कौशल का एक हिस्सा था, जिसमें जो क्षेत्र आते थे वे अब छत्तीसगढ़ और पश्चिमी ओडिशा में शामिल हैं। यहाँ मिले कलचुरी युग के शिलालेखों के अनुसार मल्हार को पहले मल्लाला और मल्लपट्टन के नाम से जाना जाता था। उमेश मौर्य, न्यूज 18, बिलासपुर।
और अब उस सच को जानने की बारी थी जिसमें कहा जाता है कि मल्हार नाम के इस नगर में सोना बरसता था। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? लेकिन कैसे? हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने जानी इसकी सच्चाई। इस वक्त मैं मल्हार के उस जगह पर मौजूद हूं जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। वो इलाका है सोनखार। ये तो साफ था कि इस नगर का इतिहास काफी वैभवशाली था, लेकिन सोना बरसने की बात कहां तक सच है? ऐसा हो कैसे सकता है? समृद्ध नगर की बात पर यकीन कर लिया जाए तो सोने की बारिश पर यकीन करना तो नामुमकिन सा है। इस बात की पड़ताल करना जरूरी समझते हुए हम पहुंचे मल्हार। यहां बड़े प्रवेश द्वार के भीतर घुसते ही ऐतिहासिक वैभव और समृद्ध पातालेश्वर मंदिर देखने को मिला। यहां पर मिली कलाकृतियां बता रही थी कि तब के समय में ये नगर कितना वैभवशाली था। लेकिन सवाल वही था कि सोने की बारिश कब और कैसे हुई? ये किसने की थी? क्या ईश्वरीय चमत्कार था या सच कुछ और है? हमने रुख किया वहां मौजूद कुछ लोगों के पास। सर, कोई समय मना अढ़ाई घंटा बरसे सोने सोना कबोल तरिया डबरी बारी कोलर खोदा थे तो पावा खुदाई जो तो हुआ था ना, देवता हम निकला थे पत्थर के देवता हम पावा थे। और जब तकदीर है सपना देते ना तो दे में हवा मोची लखाबे तो जेट बेटर देबे। अच्छा। कौन कहा थे वो बटुआ हंडा हम। महिलाओं ने हमारी टीम को जो बताया वो आपने सुना। वे कह रही हैं कि यहाँ पर सोने की बारिश हुई थी, लेकिन सदियों पुरानी बात है ये तो, और तब तो ये लोग मौजूद नहीं होंगे। तो आखिर सच क्या है? ये मान्यता भर है या हो सकता है कि बुजुर्गों से सुनते सुनते ये बातें इन लोगों तक इस रूप में आई? लेकिन उसका क्या जो प्रमाण खेतों में आए दिन नजर आता है? हमारी टीम जब आगे बढ़ी तो डिंडेश्वरी मंदिर पहुंची। यहां देख हम भी हैरान रह गए। देवी की मूर्ति ताले में बंद थी और पुलिस का जवान तैनात था। हैरान होना लाजमी था। आखिर क्यों लगा था यहाँ ताला? हम गए पुजारी के पास। हमारे पूर्वज लोग बोलते हैं यहाँ ढाई घड़ी सोने की वर्षा हुई थी, और ऐसा भी आंकलन यहाँ देखने को मिला है। कई लोगों को जब खेत में हल चलाते हैं तो खेत हल चलाने के माध्यम से हल के पीछे जब कुछ अड़चने आ जाती हैं उसको देखते हैं तो कई स्थान पर बड़े बड़े जो इससे अंकित रहता है भगवान के पत्थर है ना, भगवान के पत्थर या दूसरी ओर कोई ताम्र के पात्र या कहीं सोने का कोई वस्तु ऐसा मिलता है, ऐसा भी सुनने में आया है। तब पंडित जी ने बताया कि यह मूर्ति 10वीं शताब्दी की है और 1992 में इसकी चोरी हो गई थी जिसे बाद में बरामद किया गया। जाहिर है अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहद कीमती है ये मूर्ति, लिहाजा सुरक्षा जरूरी है। वर्ण मुद्दा में है माता जी पार्वती डिंडेश्वरी माता, जैसे छत्तीसगढ़ में डिंडेश्वरी दाई भी बोलते हैं इसको, शक्ति पीठ साधना पीठ है वो, कि वहाँ जो भी आप मन से आराधना करेंगे वो पूर्ण होता है। मंदिर का सच जानने के बाद टीम को पता चला कि यहाँ एक ऐसा खार यानी कि बंजर खेत है जिसे सोने की वर्षा या सोन वर्षा खार के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार हालांकि कहते हैं कि प्राचीन दक्षिण कौशल की राजधानी मल्हार थी और यही कारण है कि राजा महाराजाओं के दौर में ये राज्य वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण रहा, जिसकी वजह से आज भी यहाँ बेशकीमती मूर्तियां सोने की मोहरें और धातुएं खुदाई में मिलती हैं। मल्हार में एक ऐसा रिच एरिया है, एक ऐसा प्राचीन क्षेत्र है जहाँ सोनवर्षा खार के नाम से जाना जाता है, यह उसका प्रमाण भी है। और मल्हार में खुदाई के दौरान हमेशा सोने के मोहर, सोने के सिक्का या प्राचीन सामग्री मौर्य शासकों का ज्यादा यहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये था मल्हार में धन वर्षा का सच, जो केवल एक कथा या किंवदंती है। वास्तव में दक्षिण कौशल की राजधानी मल्हार का वैभव और समृद्धि इतनी थी कि मौर्य वंश का राज होने के चलते आज भी यहाँ सोने की मोहरे या सोने के सिक्कों के साथ अन्य धातु और मूर्तियां मिलती हैं। उमेश मौर्य, न्यूज 18, बिलासपुर। और बात आफत की बारिश की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक
पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप इस वक्त कहीं भी नजर उठाकर देखेंगे तो आपको तबाही की वो तस्वीर दिखेगी जो आपके होश फाख्ता कर देगी। लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तर भारत में नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर खतरे का निशान दिखा रहा है। झीलों में सैलाब आया हुआ है और झरने इस वक्त झूम रहे हैं। आपके सामने देश के तमाम राज्यों के उन शहरों की तस्वीर हैं जहां हालात एक बारिश के बाद बद से बदतर हो गए हैं। कहीं घरों तक पानी भर गया है तो कहीं तेज बहाव में गाड़ियां बह रही हैं। फिर चाहे बात यूपी की हो या फिर एमपी की, पहाड़ों की हो या फिर गुजरात के बॉर्डर की, हर कहीं बारिश के बाद बाढ़ और फिर तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की। पहली बारिश ने ही कहर बरपाया हुआ है, चाहे पहाड़ों की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर दूसरे राज्यों की। उत्तर से पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। पहली बारिश के बाद कई शहरों और जिलों में पानी जमा हो गया। कहीं सड़कें पानी में डूब गईं तो कहीं पूरा मोहल्ला ही पानी में डूब गया। बारिश ने किस तरह लोगों की परेशानी बढ़ाई है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार, कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए, खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। खिलौने की तरह वही गाड़ियां, हरिद्वार उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगी जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी, तभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। देखते देखते सैलाब वहां खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर, राजकोट गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना, पंचमहाल गुजरात। गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड गुजरात। गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए, सड़कें पानी में डूबी नजर आए। सड़कों पर सैलाब, सूरत गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई तो बारिश का कहर आपने देख लिया। आखिर न केवल दो राज्यों बल्कि पूरे प्रदेश या देश का हाल यही है। हमारी पेशकश में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। अरे वाह किशन, छत्तीसगढ़।